चलो भाई, सफाई वफाई कर दी है यार इनकी मैंने। और अबे यार तुम क्या हरकत है, अभी सफाई करके गया हूँ, अभी इसने छोले भटूरे कर दिए सारे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार अभी सफाई करके गया था सारी की सारी, बिल्कुल मोबाइल उठा के लाया हूँ और ये देखो सारा का सारा फिर गंदा कर दिया। नहीं सुधरोगे? ओ भाई हमारा जो ब्लैक है उसकी आंखें कैसी नजर आ रही है चमकीली, देखो। ओ भाई कोई रोग तो नहीं आ गई तुम्हें? है कोई रोग तो नहीं आ गई भाई? नहीं भाई कोई रोग नहीं है, इनकी आंखें ऐसी नजर आती है चमकीली। फ्लैश जल रहा ना मेरे मोबाइल का, यहाँ बहुत अंधेरा होता है हमारे इधर, जब इन्हें जलाना पड़ता है। खैर से यार अबे ये क्या है, ये तो बटेर है अपना, चोटियां इतनी सारी इस पे, मर गया ये। अरे यार यार मैं यही बोलूं, बाबा ने कल बोला था कि ये सही नहीं लग रहा बटेर, इसकी कंडीशन खराब लग रही है। और मैं कुछ दिन पहले भी ब्लॉग्स में आप लोगों को दिखा रहा था कि यार इसका कोई इलाज बताएं, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको क्या होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है। अबे यार ये बाबा ने रख दिया होगा कि फेंकूं नहीं मैं, एक मरतबा देख लूं आखिरी बार इसको और फिर दफना दूं, तो बाबा ने इसलिए रख लिया होगा, उन्होंने दफनाया नहीं होगा। देखो यार कितना प्यारा था हमारा बटेर, आखिरी बचा था। अबे यार यार गिफ्ट मिला था मुझे, चोटियां चढ़ी हैं सारी, पूरा खा गए इसे यार, आखिरी दीदार कर लो भाई। चलो भाई जो होता था वो हो गया, मैं इसको दफनाता हूँ फिर यार सेटअप पे चलते हैं। यार उसको तो दफना दिया पर मैं अंदर हाथ वाथ धोने गया, भाई ने बताया कि मुर्गा जो है ना उसकी कंडीशन सेट नहीं है, बाहर बंद है। अब ये तो रहा काले वाला, ये तो सेट है। हाँ भाई ये तो काफी सेट है। दरअसल हो कुछ यूँ रहा है कि कल आप लोगों ने देखा होगा मैं मंडी गया था और मंडी का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, दोस्त का जानवर जो हम लेकर आए कल टंडो साईदात वाली मंडी से। तो कल ना मैं पूरा दिन आ ही नहीं पाया हूँ सेटअप पे, मैंने भाई को बोल दिया था यार आप कर दीजिएगा अख्तर भाई को पड़े, तो उन्होंने सारा संभाला था और दिशान भाई ने, तो उन्होंने खाना पीना सबका कर दिया था। पर अभी मेरे को बताया उन्होंने कि देखो जाके, तो यार मैं अभी देखने आया हूँ। अरे यार ये देखो यार सारी के सारे इसको मोशन हुए हैं, सफेद बीटे मार रहा है यार ये भी उसी के अंदर आ गया है यार, ये भी उसमें रानी खेत में आया है। रानी खेत नहीं है तो फिर ये वही चक्कर है जो हमारे जितने जानवर गए ना जिस बीमारी में उसी में आया ही है। अबे यार आओ बाहर आओ, आओ सामने दिखाओ। हाँ यार इसकी टांगे काम नहीं कर रही हैं, क्या लगा हुआ है मुंह पे हैं? ये देखें बोलो, ये देखें आंखें बंद कर रहा है। अरे यार इसकी बिल्कुल भी टांगों में जान नहीं है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, सेम एज इट इज बीमारी में आ गया। अरे यार ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा। खैर इसको यार इधर ही रखे रहने देते हैं, अलग ही सही है ये। और इसके साथ हम वाला लाए थे ब्लैक वाला, तो भाई बोल रहा मुझे उस पर भी यकीन नहीं हुआ, मैं उसे भी नीचे ले आया क्योंकि वो साथ था इसके, उसमें भी कहीं ना कहीं अगर होगा तो उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। बाकी इसका ट्रीटमेंट देखते हैं यार, अगर ये सेट रहा तो ठीक, नहीं तो मुझे लग रहा है रात तक इसे हमें हलाल करना पड़ जाएगा क्योंकि बहुत कम चांसेस लग रहे हैं यार। चलो यार सेटअप पे चलते हैं यार, ऊपर भी देखूं जाके, बाकी सब तो सेट है। तो यार इनका खाना लेके हम सेटअप पर आ गए हैं और सबसे पहले तो यार मैं सबको चेक करता हूँ फिर इनका खाना डालते हैं, और खाना थोड़ा यार आज इनका कम है तो हम इनको बाजरा देंगे इसके साथ भीगा हुआ थोड़ा बहुत मिला के। सबसे पहले इनको देखते हैं, हमारे जो चूजे हैं तो सेट है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सेट है, वो भी सेट हैं, ये दोनों भी सेट हैं, ये भी सेट हैं हमारे बच्चे। और बाकी इनका तो खैर है, इनमें तो ये चीज़ बीमारी का होता नहीं है इतना मैटर, मतलब हमारे जितना है ना आधे ज़्यादा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, पर अगर वो ऊपर रहते तो उनमें लाजमी फैलेगी और इस वाले पिंजरे में वो बनते नीचे, तो इसलिए सारी कटोरियाँ वगैरह निकाल के मुझे धोनी पड़ेंगी। अब उसको छोड़ते हैं यार, परेशानी हो गई यार मुझे इस चीज़ की। खैर भाई तुम्हारा जो पार्टनर था यार सॉरी बहुत वो अब नहीं रहा, चला गया यार, प्यारा था बहुत, बटेर एक ही बचा था। खैर हो गई, खाना ना डाल देता मैं सारों को। तो यार सबको दाना पानी मैंने पूरा कर दिया,
और अपना जो है हमारा ब्राउनी खुला हुआ है, ब्राउनी को मैंने खुला छोड़ देता हूँ माँ के साथ, ताकि थोड़ा बहुत चले फिरे भागे दौड़े ना, तो इसका थोड़ा बहुत अंदरूनी सिस्टम जो स्ट्रांग और थोड़ा बहुत बड़ा हो गया। बाकी यार कल जो मौसम था ना वो बहुत आउट क्लास हो गया था, और कल बहुत तेज बारिश भी हुई थी। वो आप लोगों ने घर में शॉक में, तो मैंने कल मंडी का ब्लॉग डाला था तो आप लोगों को देखा नहीं होगा, क्योंकि सुबह तक कुछ भी ऐसा नहीं था कि हफ्स हो रहा था शदीद किस्म का, और अपना बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। पर जब हम यहाँ आए और शाम में जब मैंने सिद्दीकी ब्रदर्स वाला व्लॉग स्टार्ट करा, तो उसके बीच में इतनी शदीद बारिश हुई, वो तुम लोगों को उधर व्लॉग में दिख जाएगी, जाके देखो। इतनी कोई शदीद बारिश कि मज़ा आ गया, और हम पूरे गीले भी हो गए थे, मैं इरफान आरिफ बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे। खैर दोस्तों आज बहुत हफ्स है भाई, तो दुआ करो यार ये थोड़ा हफ्स कम हो तो हमारे परिंदे भी रिलीज हों थोड़ा बहुत हीटअप से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। वो ये क्या डाला हुआ है ये देखें दोस्तों, मेरी अभी नज़र पड़ी, अंडा देखें कहाँ पर है, ये अंडा पिंजरे के पीछे अटका हुआ है। कहाँ पीछे अटका हुआ है अंडा, मुझे लग रहा है यहाँ रखा होगा, यहाँ से पीछे गिरा होगा, उसके बाद वो नीचे अटक गया होगा। अब वो नीचे कैसे अटका हुआ है, मैं हटाऊंगा पिंजरा, नीचे चले आएगा खड़े करके, इसको यहाँ ही अटके रहने देते हैं। अब ये कोई टेक्निकल बंदा निकाल सकता है भाई। यार मुझे ना अपने इस कबूतर की बड़ी फिक्र हो रही है, देखें इसकी गर्दन यार, बहुत पूरा जोड़ा सही था हमारा यार, पर हमने ना शायद गलत बात कर दी कि इसको सेल आउट कर देंगे, सेल आउट कर देंगे, और कुदरत को शायद ये मंजूर नहीं था। तो मुझे बड़ा ना इसका फीलिंग एक बहुत ज़्यादा कट फीलिंग हुई कि यार बहुत गलत है, इसको फिर हम सेल नहीं करेंगे, अब तो इसको हमने रखना ही है। देखें ना इसकी बहुत ज़्यादा गर्दन में हो रही है। हमजा ने मुझे बताया था कि यार इसको ना लॉन्ग खिलाओ, लॉन्ग खिलाते हैं तो उससे इसका लकवा सेट होने लगता है, तो डेली की एक शाम में लॉन्ग खिला दो। मैं यार गर्म होती है, बोला होता उसका कोई इलाज, लॉन्ग खिलाओ सेट हो जाएगा ये। मैंने चलो भाई ठीक है, तो इसको लॉन्ग अब हमने खिलानी है लगातार, जब तक इसका लकवा इंशाल्लाह जल्द सेट हो जाएगा, ज़्यादा तादाद में नहीं देखेंगे, सेट हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर बीच में रोक देंगे। हाँ भाई ब्राउनी पेट भरा तुम्हारा, इधर दिखाओ बड़े, अरे आराम से ही देखें। हाँ भाई ब्राउनी का पेट फुल हो रहा है माशाल्लाह। चलो अब जाओ, इसकी माँ इतनी कोई वो है भाई, इसको ज़रा सी देर के लिए उठा लूँ ना, ऐसे चीखने लगती है, देखें तुमने पकड़ लिया ना, ये देखें यहीं फिरती रहेगी। चलो भाई ब्राउनी बंद होने का टाइम है, हो गया बहुत तेज हो गया, ये हेलो, चलो भाई अल्लाह हाफिज। तो यार अब मैंने तुम लोगों से एक और चीज़ पूछनी थी, हमें बकरा लाइव है इतना टाइम हो गया यार, मुझे किसी ने नाम सजेस्ट नहीं करे, पहले कुछ नाम सजेस्ट करे थे वो पता नहीं वो बकरे पे किए थे, किस चीज़ पे मैंने पूछे थे, तो मैंने वीडियो में मेरे को याद ही नहीं रहा बिल्कुल ही। तो आज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि बकरा जो हम लाए ना उसका नाम क्या रखें, कोई अच्छा सा प्यारा सा नाम सजेस्ट करें ताकि हम रख दें, तो जल्दी से नाम सजेस्ट करें यार। तो यार मैं नीचे आया था एक मिनट, और ये देखें माशाल्लाह से पूरा सहन धो डाला है मैंने, नहीं भाई ने धो दिया, मैंने सिर्फ वो जगह साफ करी थी, भाई ने धो भी दिया क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था। तुम्हें नहला भी दिया क्या? ओए 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 नहला दिया भाई इसको, अरे भाई साफ सुथरे हो गए हैं हमारे ब्लैकी, चमकीला हो गया माशाल्लाह से, आपको भी नहला दिया है यार, ये मारता हुए हुए मैं फंस गया, मैं फंस गया, हट जाने दे, नहीं नहीं ओ भाई ये मारता बड़ा गंदा। तो इसका नाम सजेस्ट कर दो यार ताकि अपन रख दें इसका नाम, प्लीज कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करना हमारे इसका, ठीक है ना। यार आखिर में मैं तुम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, हमारे इस वाले मुर्गे के लिए दुआ करें जो अंदर है ये रहा, प्लीज़ कि ये भी यार सेट हो जाए बच जाए, चांसेस बहुत कम है, पर देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़िंदगी और मौत, तो फिर बस यही रिक्वेस्ट है प्लीज़। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, और मेरे चैनल धर्मेश शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर लो मजे मजे के ब्लॉग्स के लिए। हाफिज़, टाटा, बाय बाय।